हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रोहित व्लॉग्स। ओपे जी, आप सब सेफ बैठे होंगे घर पे। जैसे कि आपको पता है, अभी पिछले दिनों कोविड अपने पीक पे था इंडिया पे। इंडिया सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट था कोविड केसेस में। लेकिन अब अच्छी खबर ये है, अभी धीरे धीरे केसेस कम होने स्टार्ट हो चुके हैं। और जैसे कि पहले हिमाचल, उत्तराखंड, दिल्ली सब बंद हुए थे, अब कुछ दिनों पहले, जैसे सैटरडे को, आज तो है संडे, सैटरडे को कल मीटिंग हुई थी हिमाचल की। तो वो हिमाचल तो मतलब 14th of June को ओपन हो रहा है कुछ कुछ परसेंट। जैसे टाइमिंग है 9 to 5 हो गया, शॉप 50% उसके कैपेसिटी से बसेस चलेंगी, मतलब कि ओपन हो चुका है। और RT-PCR जो पहले रिपोर्ट लगती थी, उसकी भी नहीं ज़रूरत। और होप है जी आप सेफ घर पे ही रहें। अभी तो कोई जाने का फ़ायदा नहीं है कहीं घूमने का। अभी केसेस कम हो रहे हैं धीरे धीरे, ख़त्म नहीं हुआ कोविड, लेकिन केसेस कम हो रहे हैं। बात करते हैं जी इस वीडियो की। इस वीडियो में मैंने कुछ दिन पहले ना एक हेलमेट परचेज किया था अमेजोन से, जिस जो था स्टील बर्ड का SBH-17 रोबोट टर्मिनेटर हेलमेट। इसके पीछे मेरा रीज़न था, जो मैं रीज़न है वो इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। जैस मतलब कि कुछ प्लान कर रहा हूँ मैं आगे के लिए, तो ये हेलमेट उसके लिए है। अगर तो प्लान सही चलता रहा, मैं ज़रूर आपको अगली आने वाली वीडियोस में, मतलब आने वाली वीडियोस में पता चल ही जाएगा आपको कि ये मैंने हेलमेट क्यों परचेज़ किया है। आज करते हैं जी इसकी अनबॉक्सिंग। वैसे मैंने इसकी पहले अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ, लेकिन एक बार ही मैं आपको दिखा देता हूँ इस बॉक्स में क्या क्या आता है और कैसे आता है। मैंने ये अमेजोन ऑफिशियल साइट से, मतलब कि स्टील बर्ड की थी ऑफिशियल पेज, उसी से बाय किया है। चलो फिर करते हैं जी अनबॉक्सिंग स्टार्ट। ये जो बॉक्स है जी, इसके सिंपल रैप आता है ट्रांसपेरेंट, वो तो मैंने उतार दिया था चेक करने के लिए भी हेलमेट प्रॉपर ओके है कि नहीं है। अब करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग स्टार्ट। सबसे पहले जो आता है जी, इसमें आता है ये जो हेलमेट है, ये दो वाइजर के साथ आता है। आप जो भी हेलमेट इसमें, मतलब काफ़ी कलर्स आते हैं, एक 12 या 13 कलर आते हैं। जौन सा भी कलर आप परचेज करोगे, आपको दो ही वाइजर मिलेंगे। एक आता है ये ट्रांसपेरेंट, दूसरा जो है वो हेलमेट के साथ लगे हुए है। इसमें सिर्फ एक ये पन्नी आती है, बाकी और बॉक्स में कुछ नहीं आता, खाली होता है। इसको रख देते हैं साइड पे। अब दिखाता हूँ जी मैं आपको हेलमेट। वाह, ये है जी हेलमेट। देखने में तो काफी अच्छा है, हैवी भी है, और एयर क्रॉस करने के लिए आगे ये दिया हुआ है विंड विंड ब्लास्ट, और एक ये एयर के लिए, और ये ऊपर भी है एयर के लिए। आप इसको ऑन मतलब खोल भी सकते हैं, ये खुल गया, ये बंद हो गया। डिज़ाइन में तो इस पे से 10 में से 10 नंबर हैं। इस हेलमेट की सबसे खास बात पता क्या है आपको? ये रेड कलर का बटन दिख रहा है, सिर्फ इसको प्रेस करना और ये वाइजर ओपन हो जाएगा, है ना शानदार। और इसमें एक और खासियत है, आपने यहाँ से ऊपर से इसको ऐसे प्रेस किया, आपने टक की आवाज़ सुनी? दोबारा दिखाता हूँ आपको मैं, टक की आवाज़ सुनना। एक लॉक तो इसका यहाँ लग जाता है, ये थोड़ा सा वाइजर ओपन रहेगा देखने के लिए या हवा क्रॉस करने के लिए। अगर आप इसको पूरा नीचे कर देंगे, ये टक की आवाज़ आई, ये वाइजर पूरा लॉक हो गया, ये अब हाथ से खुलेगा ही नहीं। जब तक आप ये रेड बटन दबाओगे नहीं, ये ओपन नहीं होगा। और एक इसकी और खासियत क्या है, जैसे कि इसका मैंने दिखाया भी दो वाइजर के साथ आता है, आप इसको बहुत ही इजीली इसके ये वाइजर चेंज कर सकते हैं। खास बात पता क्या है इस हेलमेट की? सबसे पहले तो ये उतार देते हैं। वाओ, ब्लैक मिरर और ग्रे हेलमेट, क्या कॉम्बिनेशन है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैट कलर है इस पर ना, जैसे कि ये दो वाइजर के साथ आता है, जौन सा आप कलर चूज़ करोगे, जैसे मैंने ब्लैक चूज़ किया, तो ब्लैक वाइजर के साथ ट्रांसपेरेंट, मतलब ट्रांसपेरेंट हर किसी के साथ आएगा ही आएगा। आप इसको बहुत ही ईजिली घर पे मतलब वाइजर चेंज कर सकते हैं बड़े आराम से। उसके लिए भी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो उसी पे होगी भी, ये वाइजर कैसे चेंज करते हैं घर पे, बहुत इजी है, मैं चेंज करके दूंगा। अब मैं इसको आपको पहन के दिखाता हूँ ये कैसा लगता है।
जो इस हेलमेट की फिटिंग है ना, अल्टीमेट है पूरा। मतलब कि पैडिंग वगैरह सब कुछ ओके है। एक चीज़ इस खासियत इसकी और है हेलमेट की, इसकी जो पैडिंग है ये आप उतार के धो भी सकते हैं। वाओ, बहुत ही अच्छा हेलमेट है, मस्ट रेकमेंडेड है। अगर आपका बजट कम है, जैसे मतलब कि आपका 2000 तक का बजट है, तो आप इस हेलमेट के साथ जा सकते हो। अच्छी क्वालिटी का हेलमेट है, अच्छी बिल्ड क्वालिटी है, हवा क्रॉस करने के लिए काफ़ी जगहें हैं। अगर आप इस हेलमेट को परचेज करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके परचेज कर सकते हैं। इसमें कम से कम नहीं तो 12 नहीं तो 13 कलर तो आते ही हैं, अलग अलग वाइजर के कलर के साथ। इस वीडियो को करते हैं यहीं एंड। होप है जी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर कोई इम्प्रूवमेंट चाहिए या कोई गलती है या कोई कुछ, आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं अभी, वहाँ फिर मैं वहाँ इम्प्रूव करूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू जी, मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। बाय बाय।